ट्रांजिस्टर BC558, BC558 ट्रांजिस्टर है ये। है 555 IC, टाइमर IC, और यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट मतलब यहाँ से ये पॉइंट, ये पिन नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो डायड 4007, वन के रेजिस्टेंस, ये चाहिए आपको 3 पीस। वन के रेजिस्टेंस 3 पीस, ये कैपेसिटर 47K 25 वोल्ट मैंने लिख रखा है, रेड LED। इस तरह का ये चाहिए 3 पीस, और ये है ग्रीन LED 3 पीस। IC की 555 IC के 4 नंबर पिन और इसका इधर वाला पिन, इसके बाद वन के रेजिस्टेंस इसमें आप किसी तरह से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। अब इस पिन को इसका बेस में जोड़ना है, मतलब बीच वाला पिन में, 55 8 का बीच वाला पिन के साथ, बेस के साथ इस रेजिस्टेंस का एक सिरा को जोड़ देना है। और 558 का ये पिन जो है, ये आपका चला जाएगा LED का प्लस में, पॉजिटिव में, मतलब ये पिन जो है लास्ट रहे वाला रह गया, जो ये LED का प्लस में जाएगा। ये ब्लैक वाला जो है, ब्लैक की तरफ जो पिन है, ये है माइनस और ये है प्लस। ये 555 IC का 1 नंबर पिन में माइनस लगेगा और 2 नंबर में प्लस लगेगा। तो ये हो गया 555 IC का 1 नंबर में कैपेसिटर का माइनस, दूसरा पिन में प्लस इसका कैपेसिटर का, तीसरा पिन में रेजिस्टेंस 1K ओम का, और इसका दूसरा सिरा इस 558 का बेस में, मतलब बीच वाला पॉइंट में, और एक 558 का ये पॉइंट इसी तरह रहेगा, इसमें LED का प्लस जोड़ेंगे। अब इसको पिन नंबर 6 के साथ इसको
ये एक और एक दूसरा रेजिस्टेंस इसका 8 नंबर पिन में, 555 का 8 नंबर पिन में। रेजिस्टेंस के दोनों सिरा को पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट करना है। ये हो गया। ये हो गया 4000 का जो फोर 4000 जो डायोड है, डायोड का प्लस जो है एनोड दूसरे डायोड के एनोड के साथ जुड़ जाएगा इस तरह। ये जो दाग है इस डायोड में आप देख रहे हैं सफेद रंग का पट्टी है, ये इस तरफ रहेगा। और ये जो है एनोड जो है ये आपका कैपेसिटर के माइनस के साथ जुड़ेगा। जम्पर देना है ये आईसी का 2 नंबर पिन और 6 नंबर पिन। ये 2 नंबर 6 नंबर अब जोड़ना है इसका 4 नंबर और 8 नंबर को। यहाँ पे आपको नेगेटिव देना यहीं से। उत्तर किन ठीक पड़े थे कभी तारे तो यार।